रिवायत में आता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेटे को अल्लाह के फैसले की खबर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक या आल। नमाज हो गई है ईद की और इधर अभी तकरीबन 7:30 बज रहे हैं और मैं अब सोच रहा हूँ कि मैं कपड़े बदल के एक दफ़ा दोबारा सो जाऊँ और फिर मैं उठूँ ज़रा सही तरह ईद मनाने के लिए, क्योंकि मैं सिर्फ 3 घंटे सोया हूँ। और हाँ, ईद मिलना भी तो ज़रूरी है। अभी तक कंफ्यूज हूँ कि जागता रहूँ या सो जाऊँ, तो मैंने इरादा किया कि सो जाना बेहतर है ताकि आने वाला दिन थोड़ा काबिले कबूल गुजरे। लो जी नाजरीन, आपका भाई रेडी हो गया है दोबारा सोने के लिए। बस अल्लाह करे अब नींद आ जाए, क्योंकि एक दफ़ा उठ जाओ तो उसके बाद दोबारा नींद आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर भाई जन, सोने का इरादा तो किया था लेकिन पेट ने इजाज़त नहीं दी, तो सुबह सुबह खाना खाने बैठ गए। लेकिन खाना खाने के बाद तो मैं ज़रूर सोया और फिर दोपहर को आंख खुली। उठने के बाद इस बात का अंदाज़ा हुआ कि दोबारा सोने का इरादा इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि दोबारा सो के उठने की वजह से मुझे मजीद आवाज़ारी और सुस्ती शुरू हो गई थी। लेकिन फिर भी मैंने नहा धो के कपड़े बदले और तैयार हुआ, मगर ये सब करने से भी मेरी आवाज़ारी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो भाईजान, जो मौसम का एक सरप्राइज था सुबह, वो सिर्फ सुबह तक ही था। अब काफी धूप निकल आई और गर्मी भी हो रही है। खैर, मैंने जब गाड़ी का बोनट खोला तो मैंने देखा कि बैटरी के ऊपर एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा बैठा हुआ है, लेकिन बेचारा मुझे देखते ही डर के गाड़ी के नीचे छुप गया। तो जी नाजरीन, फिर रवानगी इख्तियार हुई मेरे गांव की जानिब। जी ये है जी हमारा डेरा। जी नाजरीन, वहाँ से हम एंटर होते हैं आते हुए और वो सामने एक डेरा है, फिर एक यहाँ पे है और फिर एक यहाँ पे है, और ये है मजे आप सबके देखने के लिए। खैर, गांव पहुंचते ही सब घरों को बारी बारी विजिट किया। खैर, इस सब के बाद एक और हाजिरी भी बहुत जरूरी थी, वो हाजिरी उन सब के सामने जो फिलहाल हमारे साथ नहीं है। तो जी हाँ नाजरीन, ये था मेरा गांव। अब मैं वापसी की जानेब रवाना हूँ
और इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़। आने वाले कंटेंट से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल आइकन दबाइए।